वेलकम टू आहुजास रेसिपी। आज हम बनाएंगे स्वीट कॉर्न पुलाव। ये पुलाव खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। मकई हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है, तो आप भी ऐसा टेस्टी और हेल्दी कॉर्न पुलाव अपने घर में बनाना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। एक बर्तन में 1.5 कप बासमती राइस लें। अब हमें इसे 3 से 4 पानी से धो लेना है। फिर साफ पानी डालकर इसे आधा से पौना घंटा भीगने के लिए रखना है। आधा पौना घंटा के बाद हम चावल को बॉईल कर लेंगे। एक बर्तन में 1.5 से 2 लीटर तक पानी गर्म करने के लिए रखें। उसमें 1 टीस्पून नमक डालें, फिर पानी को गर्म होने दें। अब चावल डालेंगे, फिर इसे हिलाएं। अब हमें चावल को मीडियम फ्लेम पर पकाना है। जब चावल पक जाएगा तो वो इस तरह से ऊपर आ जाएगा। फिर हमें एक बार करछी से इसे हिला लेना है। अब हम चेक कर लेंगे। इस तरह से जब हाथ से टूटने लगे चावल, यानी कि हमारा चावल पक चुका है। अब गैस बंद कर देंगे और इसे छलनी में छान लेंगे। अब हमें चावल को ठंडा होने देना है। हमें चावल को थोड़ी थोड़ी देर में हिलाते रहना है ताकि जो नीचे के गरम चावल है वो भी अच्छे से ठंडे हो जाएं और हमारे चावल में गुठलियाँ न पड़े। अब चावल पूरी तरह ठंडे हो गए हैं। अब उसे एक बार चलाकर अलग अलग कर लें। अब एक कढ़ाई में 4 से 5 बड़े चम्मच तेल ले लें। दो चम्मच बटर, आप यहाँ घी भी डाल सकते हैं। बटर से इसका स्वाद और भी अच्छा आता है। एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लें। 1 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून हींग डालकर मिक्स कर लें। अब इसमें 1/2 कप बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च डालें और इसे 1-2 मिनट के लिए पका लें। फिर 1 कप बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी डालें। आप इसमें प्याज भी डाल सकते हैं। इसे भी 1-2 मिनट के लिए पकने दें। आपको गैस का फ्लेम मीडियम टू लो ही रखना है। अब इसमें 1.5 कप बॉईल किए हुए मकई के दाने डालकर इसे भी अच्छे से मिक्स कर लें और 2 से 3 मिनट के लिए पकने दें। वन टीस्पून हरी मिर्च अदरक का पेस्ट डालकर मिक्स करें। 1 टीस्पून शाही बिरयानी मसाला, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, नमक स्वाद अनुसार डालकर बराबर मिक्स कर लें। अब हम इसमें बॉईल किए हुए चावल डालेंगे। थोड़े से बारीक कटे हुए पुदीने के पत्ते डालकर हमें इसे बराबर मिक्स कर लेना है। गैस का फ्लेम स्लो कर देना है।
थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डालकर एक बार अच्छे से मिक्स कर लें। देखिए ये पुलाव दिखने में कितना बढ़िया लग रहा है। अब हमें इसमें 3 से 4 टेबलस्पून पानी छिड़कना है। और एक बार मिक्स कर लेना है। इस तरह करने से हमारे चावल के दाने एकदम खिले खिले रहेंगे। अब हमें इसे ढककर 2 से 3 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकने देना है। अब हम ढक्कन खोलकर देखेंगे। देखिए हमारा चावल कितना खिला खिला हुआ लग रहा है। हमारा कॉर्न पुलाव तैयार है। आप भी इसे ज़रूर एक बार ट्राई करें। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपने विचार मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।